मेरे बच्चों, मैंने कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं करी। मैंने यूपीएससी की तैयारी एक जलन में करने की सोची। जलन क्या हुई कि मेरा एक रिलेटिव था 2011 में, उसका आईएएस में सिलेक्शन हो गया। इसमें जोर से बोलो, आईएएस में। और उस समय मैं क्या था, मैं था दिल्ली सरकार में टीचर। मैं क्या था, दिल्ली सरकार में टीचर। तो आप जानते हैं, सोशली अगर देखें तो टीचर की वैल्यू है नहीं, और आईएएस तो भैया अपने आप में बहुत कुछ हो गया। और जो आईएएस बना वो मेरे बिल्कुल ससुराल पक्ष के नजदीक से बन गया, समझो मेरा साला बन गया। तो 2011 में मुझे क्या हुआ, मैं ट्यूशन पढ़ाता था अपने घर में, बहुत अच्छे से काम कर रहा था। मुझे वो आग लगी कि अब तो साला आईएएस बनना है, क्योंकि हम कम क्यों रह जाएं। मैंने राजा आईएएस की तैयारी शुरू कर दी, अपना ट्यूशन का धंधा छोड़ दिया, लाख डेढ़ लाख रुपए जो कमाता था, सरकारी नौकरी से भी लगभग लगभग हाथ धो दिया, और मैं चला गया मुखर्जी नगर कोचिंग लेने। 3 महीने कस के मेहनत की यूपीएससी की। 3 महीने बाद मैंने अपने आप को पहचान लिया कि मैं इसमें 3 साल भी लगा रहूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में यही उपलब्धि मानता हूं कि मैंने 3 महीने में यह डिसीजन ले लिया कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो सकता। मेरे अंदर का स्टूडेंट मर चुका है, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं, पढ़ नहीं सकता एज ए स्टूडेंट बैठ के। मैंने वहां पे 3 महीने बाद कोचिंग छोड़ दी, जिसकी फीस दी थी। उसके बाद ये लगा कि घर कैसे जाऊं, शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे, घरवाली के साथ तो एक ही जवाब था ना, बन गया मेरे भाई के बराबर, समझ गए ना। अब इस मजबूरी में साला घर हूं क्या, कोचिंग क्यों छोड़ दी, क्योंकि मैं आराम से 1.5 लाख रुपए ट्यूशन पढ़ा रहा था घर में बैठ के, सरकारी मास्टर, सरकारी स्कूल के बच्चों को बुलाता था ट्यूशन पे और पढ़ाता था। वो छोड़ के आईएएस की तैयारी करने गया, और 3 महीने में मेरे को औकात नजर आ गई। फिर मैंने सोचा कि करूं क्या ऐसा कि आईएएस नहीं बन पाया तो कुछ इज्जत बची रह जाए, तो उसी का परिणाम है जो आज आपको बोल रहा हूं। उस समय मैंने एक डिसीजन लिया इज्जत बचाने के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। मैंने कभी एसएससी के उनको नहीं पढ़ाया, कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ना कोचिंग करी ना पढ़ाया कभी जीवन में, बस उस बेइज्जती से बचने के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में फिर मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्ट भी हुआ, बहुत अच्छा नाम भी चला, आज उस आईएएस को कोई नहीं पूछता, और उसके जैसे 50 आईएएस को हमें पूछते हैं।